कह रहा है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22x14 वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई क्या है? तो सबसे पहले मिट्टी कुआं से खोद के निकाला जाता है ना, कितना मिट्टी निकली ये जान लो, क्योंकि इसी मिट्टी से चबूतरा बनता है। क्यों कह रहा है कि व्यास 7 सेंटीमीटर 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है, ऐसे फैल जो है वो 7 है, गहराई ऐसे कितना है 20 है ना, 7 है गहरा। बेलनाकार कुआं खोदा जा रहा है, कुएं से जो मिट्टी निकली तो इसी कुआं के चारों ओर मिट्टिया से वो का किया गया, चौतारा बनाया गया। तार जितना इससे मिट्टी निकलेगी, मिट्टी का जितना आयतन है उतना ही ना आयतन में यहाँ फैलेगी। तो यहाँ लिखो कि मिट्टी का आयतन, सबसे पहले क्या लिखेगा, मिट्टी का आयतन। मिट्टी का आयतन कैसे पता चलेगा कितना है? तो कुआं जितना खुदा ऊन है, तो कुआं है बेलनाकार, तो यहां लिखेगा बेलनाकार कुआं का आयतन। अब बेलन के आयतन क्या होता है, R2। तो आर तो निकाला नहीं, आर इसका दिया है 7 सेंटीमीटर, मुंह फैल है ना, तो मुंह फैल है का मतलब व्यास हो गया ना, त्रिज्या निकालेगा तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 7/2 मीटर हो जाएगा, ऊंचाई 20 मीटर गहरा है ये है। तो यहाँ आप अब यहाँ लिखिए, यहाँ से पाई का मान 22/, त्रिज्या इसकी आई है 7/2 × 7/2, ऊंचाई इसका दिया गया है कितना, 7 से 7 गया कट, 2 से कट गया 11, 2 से ही कट गया तो 10 हो जाएगा, 11 × 7 = 770 मीटर क्यूब। ये मिट्टी का आयतन हो गया ना, आ इसी मिट्टिया से चौतारा बना है तो इसी मिट्टी से चौतारा बना है। तो ये कह रहा है कि चौतारे की ऊंचाई क्या है, तो यहां लिखिएगा चबूतरे का आयतन। तो चबूतरा का आयतन क्या है, जितना बेलनाकार कुआं से मिट्टी निकली है वो है ना, तो 770 हो जाएगा इसका आयतन ना। अच्छा, चबूतरा के इसमें कुछ माप दिया है 22x24 के आकार का है ना, एकर मतलब कि चबूतरा जो बनेगा, आप चबूतरा कहीं बनाते हैं तो घनाभाकार होता है ना, कोई भी चबूतरा आप बनाइए कहीं पे तो उसमें चौड़ाई होगा, लंबाई होगा, मोटाई यानी ऊंचाई होगा ना। तो चबूतरे का आयतन हो जाएगा L×B×700। L लंबाई चौड़ाई इसमें दिया है 22, और गुणे कितना दिया है 24, 14 है, 24 इसमें लिखा है 14, और गुणे H ऊंचाई निकालना है ना, सवाल में निकालना है ये बात। अब यहाँ चलो लिखो H इधर रह गया तो 770/14×22 हो जाएगा, ये कटेगा 11×2 = 11, 7 = 70 हो गया, 14×5 H = 5/10 बदला तो 2.5 मीटर आंसर हो गया।